बच्चों एक्सरसाइज 2.1 देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल फैक्टर ऑफ 24, 72 एंड 18। बच्चों 24 का जितना भी फैक्टर है वो लिखना है, 72 का भी जितना फैक्टर्स है वो लिखना है, और 18 का भी जितना फैक्टर्स है वो लिखना है। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे देखो। बच्चों मैं सिर्फ एक नंबर कर रहा हूँ, ऐसे आपको भी करना है। ओके, हम फर्स्ट करेंगे देखो 24 का फैक्टर। बच्चों ये कैसे करेंगे देखो, 24 कौन कौन से टेबल में है याद करो, 24 कौन कौन से टेबल में है उसको लिखना है। 24 है 24 वन जा 24, है कि नहीं, 24 वन जा 24। ओके, और 12 टू जा 24 होता है, और क्या होगा 6 फोर जा 24 होता है, और 8 थ्री जा 24। ओके, कैसे लिखना है बच्चों, कौन से दो और कौन से टेबल में 24 होता है, और कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से भी 24 होता है, वही लिखना है। ओके, जैसे 8 और 3 दो नंबर है, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 24 होता है, 6 और 4 दो नंबर है, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 24 होता है। ओके, फर्स्ट टर्म वही लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें क्या क्या नंबर है, 1 है 2 है 3 है 4 6 8 12 24, ये सारे हैं 24 का फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ 24 क्या होगा, इसमें क्या है, सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। ओके, ये लिखना है। उसके बाद छोटा कौन है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 है, उसके बाद बच्चों छोटा है 6, उसके बाद 8 है, उसके बाद है 12, उसके बाद है 24। तो ये सारे हैं 24 का फैक्टर। ओके, 1 2 3 4 6 8 एंड 12 एंड 24 आर्स फैक्टर ऑफ 24। ओके, तो फैक्टर ऐसे लिखते हैं। ओके, तो बच्चों 1 नंबर ऐसे करना है। ओके, 24 72 18 का फैक्टर्स लिखना है। नेक्स्ट 2 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, बच्चों इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है वो लिखना है, मार्क करना है। बच्चों प्राइम नंबर क्या है, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है वो होता है प्राइम नंबर, एक 1 और एक नंबर खुद, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, एक है 1, दूसरा वो नंबर खुद होता है वो होता है प्राइम नंबर। तो इनमें से कौन सा नंबर है प्राइम नंबर, तो उनको फाइंड आउट करना है। ओके, 21 होगा या 39 होगा या 53 होगा या 61 होगा, इनमें से कौन सा नंबर जो नंबर प्राइम नंबर है उसको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, वो जो मैं क्लास में पढ़ाया था, ओके, वो 2 दिन या 1 दिन के पहले पढ़ाया था कि फर्स्ट फाइव मल्टीपल करना है। ओके, तो कैसे करना है, मैं एक आई नंबर कर रहा हूँ, देखो रिवीजन कर रहा हूँ आई नंबर के, तो कैसे करना है देखो। तो बच्चों देखो, हम करेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखेंगे। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट 9 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे, 9 वन जा 9। ओके, फिर 9 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे, 9 टू जा 18। फिर क्या करेंगे, 9 को 3 के साथ मल्टीपल करेंगे, 9 थ्री जा 27। फिर करेंगे 9 को 4 के साथ, 36, 9 फोर जा 36। उसके बाद करेंगे 9 को 5 के साथ मल्टीपल, 9 फाइव जा 45। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल से, तो फर्स्ट 5 नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर से। तो उसके साथ हमको 9 को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 9 वन जा 9, 2 के साथ करने से 9 टू जा 18, 3 के साथ करने से होगा 27, 4 के साथ 36, 5 के साथ 45। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 है, 9 ही आर 9 18 27 36 45, ये 9 18 27 36 एंड 45, ये 9 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है। ओके, तो बच्चों 3 नंबर ऐसे करना है। ओके, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मैंने आई नंबर अभी कर दिया, तो बाकी सारा नंबर करना है। 4 नंबर क्या है, लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 30 एंड 50। बच्चों 30 और 50 के अंदर, 30 और 50 के बीच में
जो भी प्राइम नंबर है और जो भी कंपोजिट नंबर है उसको लिखना है। ओके, जो भी प्राइम नंबर है और जो भी कंपोजिट नंबर है उसको लिखना है। बच्चों प्राइम नंबर तो पता है, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है वही प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर क्या है, जो प्राइम नंबर नहीं होता वो कंपोजिट नंबर होगा। तो क्या करना है, 3 से 50 के अंदर जो भी प्राइम नंबर है और जो कंपोजिट नंबर है उसको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैच द आइटम कॉलम 1 एंड विद द आइटम कॉलम 2। 5 नंबर है, देखो दो कॉलम है उसको मैच करना है। ओके, इसको पढ़ना है अच्छे से और उसको मैच करना है। ओके,